हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और हाँ, बिल्कुल जो सोच रहे वही 3-2 का रिव्यू होने वाला है और बहुत मजेदार होगा, टेंशन नॉट। और हाँ, देख रहे हो चिड़िया भी चहचहा रही है, मैं हूँ ही ऐसा आदमी, मैं सबको खुश कर देता हूँ। तो 3-2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ उसने हमें पहले छोड़ा था, फर्स्ट पार्ट में, जहाँ पर एकदम से स्त्री आती है और वो अपने स्टैचू को देख के खुश होकर वापस मुड़ जाती है और अलग रास्ते पर निकल जाती है। ये स्टोरी वहीं से स्टार्ट करती है और हमें दिखाना चालू करती है इस स्टोरी का मेन विलन सरकटा। और एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, ये मैंने पर्सनली सीख ली है, अगर तुम्हें कभी भी कोई बैड एस कैरेक्टर या कोई भी विलन को इंट्रोड्यूस करना और तुम्हें छाप छोड़नी ना लोगों के दिमाग में, तो उसका म्यूजिक पहले डालो। जैसे इसमें था कि जब भी सर्कट डालता था वो सीटी बजाता था, ठीक है, तो पता चलता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक म्यूजिक, पर्टिकुलर म्यूजिक तुम अपनी कैरेक्टर को दोगे ना जब वो आ रहा है स्क्रीन पर, तो बहुत तगड़ा लगेगा। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कबीर सिंह, और मूवी में हमें फर्स्ट स्टोरी का जो सिनॉप्सिस था या जो भी स्टोरी थी वो बताई जाती है पंकज त्रिपाठी के थ्रू। तो अगर तुम कुछ भी भूल गए हो तो तुम्हें भूलने नहीं देंगे, त्रिपाठी जी गाना गाकर सुनाएंगे। इस मूवी को अगर मैं कुछ डिफाइन करना चाहूँगा तो ये अपने कॉमेडिक हॉरर जॉनर पे बहुत तगड़ी वो रिलाई करती है और बहुत अच्छे से खिल के बाहर आती है, क्योंकि जो इसका हॉरर है वो तो लास्ट में हिट करता ही है या जब भी एक दो गूज़बम्स आते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। बट जब कॉमेडी आती है जो है ना, अच्छे अच्छे जोक्स, वो समझ आते हैं कि हाँ ये हंसी आ रही है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, विक्की एज अ कैरेक्टर मेरे को अभी थोड़ी इस मूवी में समझ आया कि विक्की में गूदा बहुत है। पहली मूवी का मैं भूल चुका था कि पहली मूवी में भी उसने डर डरा के काम किया था, पर जब इस मूवी में श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर दिखाया जाता है ऐसा लगता है कि वो भूत है या छुप छुपा के दिख रहा होता है। तो विक्की गूदा दिखाते हुए अपना जो भी है उसके पीछे जाता है, उस परछाई के पीछे मिल जाती है उसको अपने सपने की राजकुमारी है। और इस मूवी में हमें विक्की का जो एक तरफ आशिकी वाला फेज है वो बहुत अच्छे से दिखाया जाता है। स्टार्टिंग ही जब विक्की की होती है तो दिखाया जाता है कि वो तो डूब चुका, वो लिटरली जब चाटा खाते हैं ना तब वो सिर्फ ठीक होता है कि हाँ अच्छा मैं यहाँ हूँ, सॉरी। और मूवी में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का हिंट मिल जाता है शुरुआत में, जब वो एक डायलॉग स्पेसिफिकली लिखा है कि ये है। और मूवी में फुल मेटा जोक्स चल रहे हैं, दिशा बटानी कौन है, एक दो और मेटा जोक्स हैं जो मेरे को याद नहीं है, बट हाँ मेटा जोक्स है और जो हंसी आ रही थी नॉर्मली। और जब सिरकटे का आतंक आता है और चांडा चौकड़ी को मारने जा रहा होता है तो अपनी प्यार को जताने के लिए आती है स्त्री वापस से छुट्टियाँ लेके, और क्या वो अपने आशिक को, एक तरफा आशिक को बचा पाएगी, वो तो तुम्हें मूवी में ही पता चलेगा। और मैं एक बहुत सच्चे दिल से बात कहना चाहूँगा कि तमन्ना जो इस मूवी में थी वो बिल्कुल जो शुरुआत में आती है या जब वो डांस कर रही होती है तो इट्स जस्ट उफ, आई स्टॉपिंग लगती है भाई वो, जब भी स्क्रीन मैं वहीं था रुका हुआ। और इस तरीके इस पुराने खेल में कुछ नए खिलाड़ी भी ऐड हुए हैं तो मैं मूवी में जाके समझ आएगा न्यू कैमियोस। और मूवी में एक डायलॉग है विक्की दी रक्षक, तब मेरे को याद समझ आया कि मैं आर्यन दी रक्षक आता था टीवी पे, उससे मैं अब विक्की दी रक्षक पे आ गया हूँ, तो लाइफ मेरी कितनी चेंज हो गई है, लाइफ चेंज अलॉट मैन। और क्लाइमेक्स भी ऐसा है कि हंसी दिलाता है, दिल से जो निकलती है ना हंसी के, हाँ लाफ्टर वो वाला। मैं बहुत खुशी के साथ कहना चाहूँगा कि इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्स बनाने वाली मूवी आ चुकी है, एस्टेब्लिश करने वाली जो मूवी है आज तक किसी ने नहीं किया, स्त्री यू डिड इट वेल। और लास्ट का जो बैटल सीक्वेंस है, मैंने नहीं सोचा था कि हम एज अ इंडियंस VFX जैसे हमारी वीकनेस रही है आदिपुरुष यूनो, उसके बाद मैं एक ऐसा शोडाउन देखूंगा जिसमें स्त्री वर्सेस सरकटा होगा, दोनों ही VFX से बने कैरेक्टर, और वो नो डाउट बहुत अच्छा लगता है। वो जो पावर सिंबल्स को अलग से दिखाया, ब्लू येलो, भाई वी आर मेकिंग सम गुड स्टफ, रियली गुड स्टफ। मैं इसको परफेक्ट नहीं कहूँगा बट क्लोज टू परफेक्ट है, लोगों के दिलों के पास रहेगी, क्योंकि तुम सोचो इस डेकेड में स्त्री यूनिवर्स या मैडॉक्स यूनिवर्स जो है उसने अपने पकड़ बना रखी। और इसी के साथ मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है बॉयज़ एंड गर्ल्स कि हमारे पास अब हमारा खुद का यूनिवर्स है। हाँ वो सुपर हीरो नहीं है, एंटी हीरो मान लो, ये विलन क्या कह सकते हैं, डीमन यूनिवर्स। और सोचो यार विक्की के साथ कितना अजीब हुआ, तुम एक लड़की हो इतने सालों से प्यार कर रहे हो और एट लास्ट तुम्हें पता चलता है कि वो है ही नहीं, है भी बट है नहीं, तुम्हारे पास एक याद है जो अब तुम्हारे साथ फ्यूज़ हो चुकी है। ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर अगली वीडियो में ज़रूर बात करूँगा, पर मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक मूवी है जो बन सकती है अगर डायरेक्टर्स का दिमाग अच्छा रहा तो, भेड़िया और स्त्री की प्रेम कहानी बन सकती है भाई बिल्कुल, क्योंकि अपने वरुण धवन का जो भेड़िया है वो तो लट्टू हो चुका है उस पर कि हमें चाहिए श्रद्धा, वैसे श्रद्धा तो मेरे को भी चाहिए क्यूटी भाई, इतनी यार क्यूट है ना, मतलब एक जो लास्ट गाना डेडिकेटेड है मेरे दिल से 5 मिनट पहले वही आवाज़ निकली थी कि यार क्या है श्रद्धा, बस शक्ल देखो भाई, शक्ल देख रहे हो, शक्ल देखने में मोहित हो जाता है इंसान भाई, शक्ल पे ही ध्यान रहे कहीं जाए ना।
इधर उधर क्या लगा है, दुनिया क्या चल रही है, नो प्रॉब्लम। और आखिरी के 5 मिनट में थोड़ा सैड फील कर रहा था विक्की के लिए, बट कोई नहीं, विक्की भाई संभाल लेंगे। विक्की को ये देखना पड़ेगा कि अब उसके कंपटीशन में है एक सुपर नेचुरल भेड़िया, इच्छाधारी भेड़िया, जो कभी भी इंसान बन के उसके पेल सकता है, क्योंकि बॉडी है, और भेड़िया बन के तो काट ही सकता है। अगर उसने उसको काट दिया तो विक्की नया भेड़िया बन जाएगा, टेक्निकली स्पीकिंग। वैसे नहीं काटेगा उसको, इतनी करेगा। बट हाँ, आज का रिव्यू इतना ही था, और मूवी बहुत अच्छी है। एज अ कॉमेडिक जॉनर तुम देखने जाओगे तो भी मजा आएगा, और हॉरर देखने जा रहे हो तो हॉरर इतना ज़्यादा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट बताऊंगा मैं तुम्हें। तो हाँ, मूवी वन टाइम वॉच से ज़्यादा ही है, तुम टीवी पे 2 बार देखोगे जब आएगी, मैं शर्त लगा सकता हूँ, टीवी पे जितनी बार अगर तुम फैमिली के साथ बैठ के देखो मजा आएगा, ठीक है। तो हाँ, 3-2 का रिव्यू यहीं तक था। अब मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नींद से दुरुस्त रहना, और अगली वीडियो में डिस्कशन के लिए आ जाना। 3-2 से 3-3 पे बात करेंगे या बेडियर 2 पे बात करेंगे, तो हाँ आ जाओ, ठीक है, बाय बाय। पता नहीं ऑडियंस कब आएगी जिनको मैंने खुश किया है, साला देख के चले जाते हैं। थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा थोड़ा आजकल भारी भारी सा लग रहा है दिन, व्यूज थोड़े बढ़ रहे हैं बट सब्सक्राइबर्स नहीं इंक्रीज हो रहे। मैं 1 साल से लगाऊंगा तो थोड़ी अब थोड़ा वो होता ना कि एक, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं छोड़ दूंगा, बट एक दिमाग में ही आ रहा है कि मैं सही चीज़ बना भी रहा हूँ या मैं गलती कर रहा हूँ, मतलब मैं कर ही जा रहा हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं गलत हूँ। ऐसा कुछ है तो बता देना गाइस, कुछ और मिलेगा, चिंता मत करो, कहीं छोड़ के नहीं जाऊँगा मैं, कुछ और करने लग जाऊँगा।